मैं राजश्री महेश भोगरे। सबसे पहले चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक पेशेंट नहीं चाहता है कि मुझे इससे निकल जाना है, दुनिया की कोई ताकत उसको निकाल नहीं सकती है। तो सबसे पहली बात ये है कि पेशेंट को ऐसा होना चाहिए कि मैं इससे निकल के लड़के जीत के निकलूंगी, और ये जज्बा भगवान की देन से मेरी वाइफ में है। और अगर जज्बा पेशेंट में होता है तो फैमिली को भी ऐसा लगता है कि उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये जज्बा पेशेंट में नहीं है, फैमिली वाले परेशान हो जाएंगे, डॉक्टर, ट्रीटिंग स्टाफ, उनको ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत जो है वो खाली जा रही है। तो सबसे पहला मैसेज मेरा यह है कि जिनको भी ये कैंसर हुआ है उनको उस अपने आप को खुद बहुत ही मजबूत होना है। और जहां तक मेरी वाइफ राजेश्री की बात है, उनका विल पावर बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये बोला है कि कोई चीज अपने आप मेरे पास आई है, मैं उसको बुलाने नहीं गई, तो मैं उसको निकाल के ही रहूंगी। तो एक दिन अचानक उनको चश्मे पे स्टार्ट हो गया, डॉक्टरों ने उसको पॉजिटिवली लिया। ऐसा कभी और बहुत कद होता है कि पेन है, सबसाइड हो जाता है, हम लोग भूल जाते हैं, पर डॉक्टरों के सपोर्ट से हम लोगों ने उसका मेमोग्राम कराया तो सब इंडिकेशंस आए कि भाई ये हो सकता है। उसके बाद में उसका बायोप्सी कराया, बायोप्सी में कंफर्म हो गया कि इट इज अ इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। इन्वेसिव होने के कारण थोड़ा डर भी रहता है कि अभी ये कहाँ कहाँ पहुंचा होगा। तो उसको एंश्योर करने के लिए डॉक्टरों ने पैट सिटी कराया, और लकीली वो चीज जो है वो लोकलाइज ही थी, यानी कि ब्रेस्ट एंड लिफ नोड में पाया गया। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका सर्जरी रहा। निकुंज विटलानी सर ने सनसाइन में इसके लिए बहुत अच्छा सर्जरी कर दिया, मतलब प्राइमरी कॉज को हमने रिमूव कर दिया, दैट इज द फर्स्ट। उसके लिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट आया कीमोथेरापी। ये कीमोथेरापी वेरी वेरी एक्सपर्ट रिनोन्ड सूरत के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तनवीर मकसूद के गाइडेंस में हुआ। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके जो कीमो 8 में होता है उसकी जगह पे 16 कीमो उन्होंने। कीमो के दौरान ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए, कीमो के दौरान प्रॉब्लम आते ही है, पर उसकी रेमेडी भी अवेलेबल है। तो बीच में थोड़ा टाइम के लिए उनको प्रॉब्लम आए, उनके बाल भी झड़ गए, पर डॉक्टरों के साथ में हम लोगों ने वो 16 के 16 कीमो टाइमली कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में लोकल रिअकरेंस ना हो उसके लिए रेडिएशन थेरापी किया गया। ये रेडिएशन थेरापी डॉक्टर महाले जो भरत कैंसर हॉस्पिटल में न्यूक्लियर मेडिसिन के एक्सपर्ट्स है उनके अंडर में कराया गया। और अभी वो रिअकरेंस ना हो, क्योंकि ब्रेस्ट इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर ऐसी चीज है जो 5 साल या 20 साल या 25 साल में भी वापस हो सकती है। उसको अटकाने के लिए हम लोगों ने एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट डॉक्टर ने सजेस्ट किया, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन या हार्मोन ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो ट्रीटमेंट तो शुरू ही है, अभी करीब करीब उसको 6 महीने हो गए हैं। और आज की डेट में एक नया मेडिसिन आया है जो टारगेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि और रिअकरेंस के चांस कम कर देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट चल रहा है एंड सी इज वेरी हैप्पी। उन्होंने कभी भी परेशानी की वजह से ट्रीटमेंट बंद करने की या नहीं कराने का उन्होंने कभी इंसिस्ट नहीं किया, और उन्होंने जो विल पावर दिखाया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। MB वाघेला जनरल सर्जन जिन्होंने हमको इस डायरेक्शन की तरफ भेजा, तो थोड़ा लेट पर हम लोग उसको डायग्नोस कर पाए टाइमली। उसके बाद में डॉक्टर विठलानी जो कॉज था अफेक्टेड एरिया था उसको रिमूव किया, अच्छे से ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर तनवीर मकसूद उन्होंने जो जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट इस फील्ड में अवेलेबल है वो रिकमेंड किया। डॉक्टर महाले ने अच्छे से रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया। साथ साथ में सनसाइन ग्लोबल हॉस्पिटल जहाँ के एक स्वीपर से लेके क्लिनिकल हेड तक इसमें सारे लोग आ जाते हैं, फ्लोर मैनेजर्स आ जाते हैं, नर्सिस आ जाते हैं, इंचार्ज सिस्टर्स आ जाते हैं, RMOs आ जाते हैं, उनके सहयोग कोऑपरेशन से ही हम लोग आज इस जगह पे पहुंचे कि ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले जो उनकी कंडीशन थी वो ऑलमोस्ट सेम आ। तो मेरा एक संदेश है कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो इमीडिएटली आपको उसको डायग्नोस कराना चाहिए। और पर्टिकुलरली लेडीज के लिए बताना चाहूंगा कि जैसे ही वो 40 की एज में आ जाए उसके साथ में उन्होंने एक तो गायनोलॉजिकल चेक्स करा लेने चाहिए, जैसे सर्वाइवल कैंसर के चांसेस उनमें ज्यादा रहते हैं।
ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं और एक ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए उन्होंने साल दो साल मेमोग्राम कराना चाहिए, सर्वाइकल की जांच कराना चाहिए, जिससे कि अगर इनिशियल स्टेज में अपने को पता चल जाए तो ट्रीटमेंट इजी होता है, उसे बाहर निकलने का चांसेस बढ़ जाते हैं और हम लोग एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाते हैं। तो सबको मेरा यही अनुरोध है कि कहीं भी अगर अपने को डाउट जाए तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाइएगा, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कीजिएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द स्टाफ हु हैज टेकन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।